हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सन्साइन स्टडी सो सबसे बड़ा कंफ्यूजन अभी क्या है ईएसआईसी का एग्जाम आ रहा है और हमारे पास सिर्फ बीस uh, इक्कीस दिन बचे हैं तो इन बीस इक्कीस दिन में जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कैसे कम्पलीट करना है इतने से दिन में हम कैसे रिविजन करेंगे और पच्चीस मार्क्स का आपका ये प्री एग्जाम में आएगा और कहीं ना कहीं जो जीए का सब्जेक्ट है वो आपका आ, स्कोरिंग सब्जेक्ट भी हो सकता है क्योंकि एक घंटे में आपको चार सेक्शन करने हैं तो ये जो जीए का सेक्शन है वो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें मार्क्स स्कोर करना राइट right? तो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है आपको बीस इक्कीस दिन में तो ये जान लेते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप आप लोगों के लिए कुछ लिस्ट बनाई है और यहां पे सारी चीजें मेंशन की हैं पहले तो मैं आप लोग को ये बता देती हूँ कि आ, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आ, सारी चीजें आप लोग भूल जाओ सिर्फ दो सेक्शन पे ध्यान दो एक है आपका स्ट्रेटेजी के बाकी है आपका करंट अफेयर हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी ये सारी चीजें आप लोग साइड में करो क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है तो उस कम टाइम में हम ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं पच्चीस में से हम कितने अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना है राइट लास्ट टाइम पे जितने ज्यादा सब्जेक्ट जितनी आप बुक्स उठा के पढ़ोगे उतना ज्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे सो so, सिर्फ हमें दो चीजों पे ध्यान देना है राइट सो यहां पे मैंने दो सेक्शन में डिवाइड किया है सबसे पहले तो आप लोगों का ये स्टैटिक जीके आ जाता है देन आपका एक करेंट अफेयर का पार्ट आ जाता है तो अभी बीस इक्कीस दिन में किस तरीके से हमें कवर करना है क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ने को प्रैक्टिस करनी होती है रीजनिंग क्वांट और इंग्लिश में तो जीए के लिए एटलीस्ट हमें एक से दो घंटे देने होंगे डेली बेसिस पे सबसे पहले अगर मैं बताऊंगी यहां पे तो ईएसआईसी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेना एक से दो क्वेश्चन आपके इससे बन सकते हैं आप लोग को इंटरनेट पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो ईएसआईसी की हिस्ट्री के बारे में जरूर पढ़ लेना इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर के नेम आपको पता होने चाहिए जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हाईलाइट हुए हैं आपके करंट अभी एक दो तीन महीने में आपको उनको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है एग्जाम में आ सकता है जो बहुत ज्यादा फेमस हुई है ठीक है इम्पोर्टेंट डेज और थीम तो ये भी आपके प्रीवियस ईयर में इस पर फोकस किया गया था तो बहुत ज्यादा कोई अगर इंपॉर्टेंट डेज थीम आई है तीन से चार महीने के अंदर अंदर तो आपको उसको भी याद रखना है फेस्टिवल्स भी पूछे जा सकते हैं वैसे फेस्टिवल से एक आध क्वेश्चन आएगा तो आप लोग फेस्टिवल्स भी की अगर मैं बात करूं तो सबमिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर में इससे कम से कम दो से तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं तो मेरे ख्याल से कि सबमिट्स एक बार जरूर पढ़ लेना जैसे कि आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हो कि कौन सा गेम कब होगा और यहाँ पे देख सकते हो सारी सबमिट्स की मैंने लिस्ट बना रखी है तो आप इस तरीके से यहाँ पे जो है वो लिस्ट बना सकते हो कौन सी समिट्स कहाँ पे हो रही है और कहाँ होगी और कहाँ Uh, हुई थी आपकी तो ये आपको पता होना चाहिए नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं तो अगेन एक आध क्वेश्चन इससे भी आएगा आपका ज्यादातर आपके एमपी यूपी आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश गोवा और बिहार ये सारे नेशनल पार्क पूछे जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो इससे भी एक आध क्वेश्चन आएगा आ, या तो फिर नेशनल पार्क से आ सकता है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आ सकता है कैपिटल करेंसीज की अगर मैं बात करूं जो ज्यादा अभी चर्चा में है जो कंट्रीज जिनसे बहुत ज्यादा न्यूज आपकी बन रही है तो उनकी कैपिटल करेंसीज एक बार जरूर पढ़ लेना इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स भी आपको तो रट के जाना है इससे तो एक ना एक क्वेश्चन आएगा आए ही आएगा बैंक के जितने भी हेडक्वार्टर्स होते हैं जो बैंक आपके ज्यादा न्यूज में आईसीआईसी हो गया आपका एच हो गया सी हो गया और भी बहुत सारे बैंक है जो अपनी न्यू न्यू एप लॉन्च कर रहे हैं तो वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है राइट अब बात करते हैं डैम की तो एक क्वेश्चन पक्का डैम से भी आएगा अवार्ड की बात करूं जैसे कि दादा साहेब फर्क अवार्ड होता है आपका और भी कुछ एक्सीलेंस अवार्ड होते हैं तो बहुत सारे ऐसे अवार्ड होते हैं जो अभी तीन से चार महीने के अंदर अंदर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए हैं ठीक है तो आत रहेगी सीएम की तो सीएम भी रीड कर लेना अगर आ, बहुत ज्यादा किसी स्टेट कोई चर्चा में रहा है तो उसका सीएम भी याद कर लेना आपको चेयरमैन की अगर मैं बात करूं तो चेयरमैन भी आपके पूछे जाते हैं एसबीआई और आपका सेबी और भी बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उन सभी के चेयरमैन आप लोगों को रीड करने हैं जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहे हैं उन्हीं से स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है वो आपका बनता है ठीक है तो बहुत ज्यादा यहाँ पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि स्टैटिक जीके पूरा पढ़ना पड़ेगा नहीं जो करंट में न्यूज आपकी चल रही होती है उसी से आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन बन जाता है यह भी होता है कि आपसे बहुत अलग से स्टैटिक जीके भी पूछ लिया जाता है बट जनरली करंट अफेयर से रिलेटेड आपका स्टैटिक जीके बनता है राइट स्पोर्ट्स फेमस पर्सनैलिटी आपको रीड करनी है ठीक है वो आपको रीड करनी है जो कोई फेमस पर्सनलिटी है उसकी कोई डेथ हुई है आ, तो आप उनके बारे में जरूर पढ़ लेना और आ, वो किस फील्ड से रिलेटेड थे वो भी आपको रीड करना है तो ये सारी चीजें मैंने इसलिए लिखी है ताकि आप इनको ध्यान से देख के जब भी रीड करो तो उसको एक बार नोट कर लो या फिर उसको एक बार रिवीजन कर लो अच्छे से ठीक है यूनेस्को की हेरिटेज साइट के बारे में पूछा जा सकता है और जीआई टैग जो अभी रीसेंट जीआई टैग मिले हैं अब उनके बारे में भी पूछा जा सकता है राइट अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर कितने मंथ का पढ़ना है कौन कौन से मंथ हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके सबसे पहले तो अक्टूबर नवंबर जनवरी फेबररी मार्च ठीक है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेबरी मार्च तो ये सारे जितने मंथ हैं ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इनमें जितने भी डेज डेट बुक्स अवार्ड स्पोर्ट्स स्कीम्स फेस्टिवल्स जितने भी आपके यहां आते हैं आपको इन सभी मंथ के लिए पढ़ना है और बैंकिंग और इंश्योरेंस न्यूज पे ज्यादा ध्यान देना है नेशनल इंटरनेशनल स्टेट न्यूज भी आपको पढ़नी है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है बैंकिंग हिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन बनेगा आपको मैंने पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है तो वहां से जाके आप बैंकिंग जो है उसके लिए पढ़ सकते हो ठीक है अब बात कर लेते हैं कि इतने मंथ का आप लोगों को कैसे रिवाइज करना है तो आप पीडीएफ रीड कर सकते हो ठीक है तो पीडीएफ से क्या होगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उस मंथ से वो आपके मिल जाएंगे और वहां पे आपका स्टैटिक पोर्शन भी साथ साथ में कवर हो जाएगा तो तीन ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे एक है अफेयर्स क्लाउड जो कि आपका पेड वर्जन रहता है तो आप इसको भी ले सकते हो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में और ज्यादातर लोगों के जो सिलेक्शन हुए हैं वो इसी को रिकमेंड करते हैं अदरवाइज अगर परचेज नहीं कर सकते हो तो ऑलीवोड या फिर अड्डा की मंथली पीडीएफ आप ले सकते हो रिवीजन राइट right? तो ये दो आपको काम करने हैं राइट right? uh, जितने भी आपके ट्वेंटी डेज आपके पास बचे हैं बाकी रीजनिंग क्वांट इंग्लिश में आप लोगों की कैसी प्रिपरेशन चल रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग।